और वो इफ्तार पार्टी कोई बहुत ही लेविश होगी, बिकॉज फिर हम इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे डैडी से मिलके। अच्छे वाले बना दूंगी इस दफा, प्लीज। वाह भाई, मान का तो ईद का ऐसा बंदोबस्त, यकीन नहीं करेंगे कि ये केक तलत की बेटी उमैमा ने बेक किया है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपको तो पता है अनिया की फ़्लाइट डिले हो गई थी और हम सब इतने एक्साइटमेंट में चीख ही पड़े थे। तो अब सुबह मैं याया के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी, गैस तो थी ही नहीं, टोस्टर में टोस्ट डाले, अंडे एयर फ्रायर में डाले तो वो ट्रिप कर गया। तो फिर मैंने उन्हें माइक्रोवेव में बनाया, एक प्याले में डाल के थोड़ा घी लगा के प्याले में दो अंडे फ्राई उसमें डाल दिए, बहुत ज़बरदस्त बने। तो वो क्वेटा होटल के जो फ्रोज़न पराठे थे उसका एक पैकेट मैंने ले लिया था, अभी मैं ये पराठा बना रही हूँ। अनिया की आज फ़्लाइट है और फिर हमने जाना है एक इफ्तार पार्टी पे, और वो इफ्तार पार्टी कोई बहुत ही लेविश होगी, बिकॉज तलत की जो दावत होती है, तलत बहुत एहतमाम करती हैं, बहुत ज़्यादा। स्टे विद मी इफ्तार पे जाने के लिए। हमारे घर में अंडा खाने की सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अनिया खाती है बिल्कुल पकी हुई जर्दी, एक ड्रॉप भी ना, उसके लिए मैंने बनाया ये क्वेटा होटल वाला फ्रोज़न पराठा देसी घी में। और याया खाते हैं बिल्कुल सनी साइड, थोड़ी नरम जर्दी। अनिया जाओ डैडी से पूछो। अच्छे वाले बना दूंगी इस दफा, प्लीज। नहीं, हेल्दी चीज बनाई थी ना अनिया ने, इसलिए तो बोले लेती भी जाना अपने साथ के सैंडविच। That's rude. लेके जाने, पैक कर दूँ? नहीं भाई। एक और पराठा बना रही हूँ। अच्छा, मैंने चुन्ना सा तो है। मुझे ये खाने दें, फिर देखती हूँ। नहीं, मैंने कहा गरम गरम लाऊंगी। तुम क्या खा रही हो? क्या? अम्मा ये देखिए, इतना कूल लगता है ये अलग अलग पहनना, हर कुछ दोनों पहनने में ये अलग है, ये अलग है। अच्छा है, जिनके गुम जाते हैं उनका फैशन ही हो जाएगा। ये फैशन है आजकल, तो होता है कि यहाँ पे एक टॉप पहना और एक यहाँ पे लंबा सा पहनना बस। हाय, बता मैं ना दिया को दिवाली यहाँ पहनना शुरू कर दी थी। हाँ, मौन नबी बनने के लिए। अम्मा वस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ नहीं थी, फिर समझाएं वाली शुरू नहीं की। शुरू नहीं की थी, अंदर चले अम्मा, शुरू नहीं की थी एक दफ़ा खाने के लिए। ये देखे फिर से वही हरकतें कर रही है बस। ओह, डर गए, चलो। अगर बता दूंगी कितने की है तो कितने साल चलाओगी? मुझे बता दे, मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी कितना साल चलाऊंगी। चले जी, हम लोग निकले हैं। अनिया के जाने से पहले हमने कहा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाएं और इसके होते होते नबिया ईमान के कपड़े चेंज करा लें, क्योंकि वो साइज़ थोड़ा सा उसकी फ़िटिंग में मसला था। तो वी आर गोइंग टू चेंज द साइज़। लकीली एथनिक यहाँ पे गुलशन जमाल में खुल गया, बहुत अच्छा मॉल है, विच इज़ वेरी फार। तो वहाँ जा रहे हैं और फिर अनिया वापस आएगी। अपनी रोबोट के आर्म में क्यों नहीं लगा रही फ़ोन? फिर अनिया वापस आएगी और फिर हम इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे डैडी से मिलके। सो मच कंफ्यूजन गोइंग ऑन। इतना अच्छा मुझे ये लगा पिंक वाला थ्री पीस और इसमें भी साइज मिल गया, तो नबिया गो ट्राई। एक्सक्यूज मी, आप अंदर चले जाएंगे? वो पिन विन हुआ हुआ है, उनका थोड़ा असिस्ट करते हैं। बेस्ट, वेरी
शरीफ पे। ये ले लो इस जगह। कंफर्टेबल है, चल के देखो। हाँ हाँ बहुत कंफर्टेबल। थोड़ी हील भी होगी ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है नबिया, माशाल्लाह। खुद 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 वाह भाई, ईमान का तो ईद का ऐसा बंदोबस्त हो गया। वाह भाई, नबिया का तो ईद का बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया, बहुत ही प्यारा है अनिया को जा रही हूँ एयरपोर्ट छोड़ने। फटाफट हमने नबिया का सूट चेंज कराया और उफ क्या जोड़ा मिल गया। जाते ही मेरी नज़र ऐसी रुकी है डमी पे, मैंने कहा यही है नबिया के लिए। फिर साइज़ का इशू, ऑनर का जी साइज़ नहीं होगा, दुपट्टा नहीं है, मैंने कहा स्टॉक में चेक करें जाके, तो आई ट्रस्टेड माई लक फॉर दैट। तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और नबिया को लग भी बहुत प्यारा रहा था। अब अनिया से मैंने कहा डैडी को खुदाफिज़ बोल के आओ फटाफट, और हम लोग निकल रहे हैं, उसकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, बिकॉज उसकी पढ़ाई मिस हो रही है। हाँ मुझे अभी तक मम्मा के एक्सप्रेशन याद है, उनको बोले यहाँ से चले जाए। हम लोग अमेरिका गए थे वेकेशन पे, एंड मामू मेरे अमेरिका में होते सबसे बड़े वाले, उनका और मम्मा की लड़ाई हो गई थी, cuz he wasn't taking us to Niagara Falls and mamma started crying and this is not इतनी पुरानी बात है, क्योंकि क्या नबिया 2015-16 की बात है, शायद 8-9 साल पुरानी बात। मुझे अभी तक याद है कि मम्मा रो रही थी, के साथ ही, और दरवाजे में मामू कह रहे थे ओए पता है इसको, मम्मा कहती उनको बोला यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी उनसे। एंड मम्मा यू से नबिया इज टू ड्रामेटिक एंड सेंसिटिव। आई नो वेयर आई गॉट इट फ्रॉम, मुझे दुख हुआ था ना, मुझे नायग्रा फॉल्स जाना था। आई नो वेयर आई गॉट इट फ्रॉम। ये ले लें जल्दी से दोनों बैग्स। हाँ इसमें बाहर वाली जिप में रख दो जल्दी से, या लेना है? हाँ रख दे। सर बचाओ। हाफिज़ आई लव यू ऑन ईद। ईमान तो शायद मेरे पास आ जाए पेपर्स के बाद अपने। क्यों क्यों मेरी जान, मेरी जान की ठंड। बल्कि ईमान सी यू सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हैव अ सेफ जर्नी फी अमान अल्लाह। बच्चू फिर से वही तुम और वही हम। ये इतना सैड होके क्यों बोला आपने? नहीं खुश होके बोला। हाँ बच्चू। नबिया टाइम कम है, हमने उसका रोल लेना है। रोल नहीं पास्ता, नहीं उस पास्ता। हाँ चलो एक दफा फिर पूछ लेंगे, और उसके बाद तैयार होना है, इफ्तार से पहले पहुँचना है तलत आंटी के यहाँ। भाई वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। आ गई हूँ मैं अनिया को छोड़ के, ईमान का पास्ता लेके, अब तैयार होके पहुँचना है इफ्तारी पे तलत के घर। अस्सलाम वालेकुम। फटाफट 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 पुलसो मेरे कपड़े तैयार कर दो फटाफट। ये जूता मेरा नौरीन अंसर का है, और ये जोड़ा अनिया की मंगनी पे मैंने पहना था, और ये मैंने सिलवाया था लेके बरोक से, अनस्टिच्ड आया था उनका, और बहुत रीजनेबल था, आई थिंक 7000 का था अनस्टिच्ड। ओह वी आर ट्विनिंग। ये इसने मार लिया अनिया का जोड़ा। दैट्स व्हाट सिस्टर्स आर फॉर। तो जी हम तैयार हैं, बस 10-15 मिनट रह गए, या 10 मिनट रह गए, तो हम अब जा रहे हैं तलत की तरफ इफ्तार के लिए। तो विल सी यू देयर। तलत कभी गलत नहीं होती। तलत का ये प्यारा सा घर है माशाल्लाह। और ये देखिए जरा आइटम्स आपको दिखाऊं, काले चने की चार, समोसे, रोल, दही बड़े, फ्रूट चाट ख़त्म हो गया, और ये चने और मसूर की दाल के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े, खट्टे आलू और शरबत, और डिनर का इहतमाम अभी हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन मुझे अभी चाय चाहिए। क्या बनाया मैंने आज? तारीख है मटन कढ़ाई। मटन फ्राई? मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। ये चिकन, चिकन अनियन उसका होता था, मतलब रजाला के पिछले था। हाँ स्टू या अच्छा, और दलत इतना खाना सुनते। और ये क्या था? ये था वो मटर चिकन, बटर चिकन, ये बोनलेस। हाँ ये बीफ, ये अनियन, ये बता देगा मैं। बीफ क्या है? बीफ अनियन है। अच्छा अच्छा, और दलत इतनी हरी में। हम तो कम खाते हैं ना, मैंने दानी खाता है, तो मैं
मैंने कहा आज मैं शगुफ्ता खिलाऊं, शगुफ्ता ने कहा आपने कहा था मुझसे हलीम खाने का, हलीम बना लिया। लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह काम वाम सब घर का बहुत अच्छा किया, ऐसा घर माशाल्लाह सलीके की उम्दा मिसाल गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। फोन नहीं उठा रहा वो, पता नहीं क्यों। चल के मैं आऊंगी जरूर। क्या है दो चीजें हैं, मटन कढ़ाई, चिकन मखनी और चिकन वाइट चिकन कला कला जी जी। क्या बाल का हलवा बनाया आपने जी जी, बहुत मेहनत है आप यकीन ना। अगर इसमें कैसी मेहनत है, ऐसी मेहनत है अगर आप वहाँ से हट जाएंगी ना तो पूरा आपका हलवा खराब होगा। मैम ने भी हेल्प की है? नहीं मैम, मेरे से देखा है ऐसे बस करते हुए आके बारिश वगैरह सब बन जाएंगे। बहुत मेहनत, बहुत ही मजे है काम, वो थोड़ी नहीं है, बहुत मेहनत बहुत ही मजे। अंत है ना दाल का, अभी लेडीज ने खाना है वैसे। हाँ 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 आप यकीन नहीं करेंगे कि ये केक तलत की बेटी उमैमा ने बेक किया है और ये इतने मज़े का है, चॉकलेट थ्री मिल्क और लोटस थ्री मिल्क, आई जस्ट कांट बिलीव इट। उमैमा का अपना पेज भी है, पता नहीं अभी एक्टिव किया है या नहीं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हर बेकिंग एंड हर केक्स, दिस कैन बीट एनी थ्री मिल्क केक इन टाउन। तो सब ने यही कहा है, सबका यही ओपिनियन था, एंड आई वॉन्ट शेयर द लिंक विद यू। ये तलत की बेटी है उमैमा, शी इज़ अ डॉक्टर माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है और इसने अपना बस शौक किया, एक बेकिंग का शौक था तो शी स्टार्टेड बेकिंग केक्स, स्टार्टेड ऑफ विद थ्री मिल्क और थ्री मिल्क में फिर उसके डिफरेंट वेरिएंट बनाने शुरू किए, तो ये चॉकलेट एंड लोटस बहुत मज़े के थे। तो मैं आपको बाकी भी ऑप्शंस दिखाती हूँ। ये था जी चने की दाल का हलवा, सुपर गुड। ये था गाजर का हलवा एंड कुल्फी, क्रंच कुल्फी। एक्टिव है ना पेज? अच्छा हाँ बस ठीक। ये सूजी के हलवे की टुकड़ियाँ ये तलत ने बनाई हैं, हर चीज़ तलत ने ख़ुद बनाई है सिवाय रोटी के और दही बड़े। बाकी इफ्तारी के आइटम्स आपने देखे, डिनर के आइटम्स आपने देखे, एवरीथिंग। तलत को इतना शौक है घर पे लोगों को बुला के खिलाने का कि उनके चेहरे की खुशी कोई और होती है, तो इसीलिए जब भी हम यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे ये दूसरा घर है मेरा। सो शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। और ऐसा सलीका मैं आपको तलत का दिखाती हूँ कि जितना सामान है, जितने डेकोरेशन है, डेलिकेट आइटम्स हैं, बट स्टिल इतनी सफाई और सलीके और करीने से रखे हुए हैं। And everything is... ये क्यों हंस रही हो? तलक आपके घर की डस्टिंग कौन करती है? मैं करती हूँ, खुद करती हूँ। तो वो जो सफाई के लिए सफाई वही तो आती है, वो सफाई दो मासी हमारे पास है, वो बर्तन किचन वगैरह मतलब ये हर चीज की डस्टिंग खुद करती है। मेहमान द बेकर है नबिया के साथ। तलत टोपी नहीं पहनी वरना हैट्स ऑफ टू। ओह थैंक यू।